मुकेश ना, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अग्निपथ आर्मी के लिए स्कीम लेके आए ना, उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, क्या है, ये जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे जो ग्रामीण लेवल से लेके ऑल इंडिया में जो युवा पीढ़ी है, आजकल जो जिनकी जो माता पिता है उनके पास जो पैसा नहीं होता है, वो लोग ट्वेल्थ पास करके आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। और ज्वाइन करने से पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, जिनके पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं, ऑलरेडी रिक्वायरमेंट के लिए, और जब ज्वाइनिंग करते हैं उस टाइम उनको बहुत पैसा देना पड़ता है। और कुछ लोग, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत और बलबूते से वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर इस कबाड़ भरी जिंदगी के अंदर लाइफ में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, एक फैमिली, एक आदमी, एक आम नागरिक अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उस पर पैसा नहीं है, हर जगह डोनेशन चाहिए। वो आदमी 4 साल अगर भर्ती होता है आर्मी के अंदर, उसको 30,000 उसको मिलेगा, 30,000 के लगभग, 40,000 के लगभग उसको मिलेगा। तो 40,000 में वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा, उसकी बहन है घर में, उसकी बहन का कम से कम 10-12 लाख का, एक बहन का शादी कराने से कम मिनिमम नॉर्मल से लेके इस महंगाई को लेके कम से कम 5 लैक्स, मैं सबसे छोटा बोला हूँ क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे नॉर्मल जो कैटेगरी के लोग हैं, नॉर्मल कैटेगरी लोग के बारे में बता रहा हूँ कि 5 लैक्स वो लगभग उसकी बहन पे खर्च करेगा शादी में, बाकी तो 10-12 लाख शादी में खर्च होता है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी, गरीब से गरीब आदमी 5 लैक्स कम से कम वो अपनी बहन पे खर्च करता है। तो वो आर्मी ज्वाइन करेगा, जब कितना मिलेगा उसको ड्यूटी का, उस सेकुलेशन जब स्टार्ट होगा उसका, 4 साल बाद वो रिटायर हो जाता है, 4 साल बाद में हर मंथली 30,000 पेमेंट रहता है, 30,000 में आप लोग सब जानते हैं 30,000 परिवार में कितना पैसा खर्च होता है, कहाँ जाता है, सबको मालूम है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, 30,000 जब आपकी सैलरी आता है, 30,000 के बाद सैलरी आने के बाद परिवार में कहाँ इन्वेस्ट होती है आप सबको मालूम है। ऐसे करते करते उसका इन्वेस्टमेंट कुछ बचा नहीं, हर महीने तक सैलरी आया चला गया, हर मंथ सैलरी आया चला गया, जब वो रिटायर होता है, भारत सरकार का जो प्रावधान है, जो अग्निपथ के जो सैनिकों को रिटायर होने के बाद जो 12 लाख रुपये दे रहे हैं, 12 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, तो रिटायर होने के बाद 4 साल जब वो आता है तो उसके घर में 3 बहन है, 3 बहन में क्या, मैं जानना चाहता हूँ कि 3 बहन का 12 लाख में शादी हो जाएगा? मैं सोशल मीडिया में माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 11 लाख रुपये में क्या अपनी बहन की शादी कर सकता हूँ? ये तो एक जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम हो गया, और भारत की युवा पीढ़ी उसको बहुत खतरे में डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।